कि कोई भी गरीब इस कारण से परेशान ना हो कि उसके पास खाने के लिए पर्याप्त गेहूं चावल या दाल ना हो। क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, रोज रोज खाने के लिए तीन दिन से भूखे हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पर। अभी सैलरी नहीं मिला, महीना लगने वाला था, मिला नहीं सैलरी। तो अभी बिना सैलरी के वो भेज दिए क्या जी? अब सर ये बच्चों को देख के ही तो निकल पड़े, यहाँ तो भूखे मर जाएंगे यार। गरीब की शिकायत यही है कि थाली बजाने के लिए तो आपने 4 दिन का वक्त दिया, मगर जब लॉकडाउन की घोषणा की तो सिर्फ 4 घंटे का वक्त दिया गया। सामान्य भोजन से लेकर अपने गांव घर पहुंचने तक की तकलीफ का वो सामना कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। कोरोना वायरस के आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अगर दुनिया की बात करें तो अब तक करीब 5,97,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कुल मरने वालों की संख्या 27,000 के पार हो चुकी है और 1,33,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी कर चुके हैं। भारत में अब तक 900 से ज्यादा मामले आ चुके हैं और 80 से ज्यादा लोग रिकवर भी कर चुके हैं। भारत में कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ रहा है। मोदी जी ने पहले ही 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा तो कर दी, पर इन 21 दिन जो लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा उसके बारे में मोदी जी ने नहीं बताया। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी कुछ राहत पैकेज अनाउंस किए, जिसमें 1.70 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 1,70,000 करोड़ का होगा और इसमें अगर देखा जाए तो खाद्य सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी गरीब इस कारण से परेशान ना हो कि उसके पास खाने के लिए पर्याप्त गेहूं चावल या दाल ना हो। इसके साथ ही कोरोना वायरस से निपटने में देश के हेल्थ वर्कर्स की अहम भूमिका को समझते हुए सरकार ने अगले 3 महीने के लिए 50 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस कवर देने का फैसला किया है। और सबसे पहले तो ऐसे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी से लेकर बाकी सब, इन सबके लिए आशा वर्कर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, टेक्नीशियंस हों, इनके लिए इनके साथ कोई दुर्घटना ना घटे और ऐसी परिस्थिति में इनके लिए 50 लाख रुपए की एक अमाउंट जो है उस स्कीम के अंतर्गत प्रति व्यक्ति उसके लिए की है। सीतारमन जी ने और भी पैकेज का ऐलान किया, पर उन दिहाड़ी मजदूरों का क्या जो रोज कमाकर अपने परिवार की देखभाल करते हैं, उनके लिए कोई राहत पैकेज नहीं। लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों की रोजी रोटी छीनने के बाद वे अब सैकड़ों किलोमीटर पैदल ही सड़कों पर देखे जा रहे हैं। वैसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों से उनकी मदद को कहा है, लेकिन सवाल है कि कष्टकारी यात्रा सिर्फ निर्देश जारी कर देने से नहीं रुकती। सैकड़ों मजदूर घर जाने के लिए निकले हैं और सड़क पर बैठे हैं। चीन से आई महामारी फैली हुई है, घर में बैठना ही बचने का रास्ता है, लेकिन इन मजदूरों के पास वहां कोई छत नहीं जहां ये कल तक कमाते खाते थे। कुछ सोशल एक्टिविस्ट ने इन मजदूरों से बात की। आप लोग पीओपी का? पीओपी का तो इधर काम सारा बंद हो गया, सब काम बंद हो गया सर। कुछ रहने गया, भूखे रह रहे, क्या करेंगे? ऐसे अच्छा पैदल पैदल ही चलते जाएं। आज तो नहीं लेकिन कल अंदाजा लगाएं, कल शाम तक पहुंच जाए। कल शाम तक? कैसे, 700 किलोमीटर अभी तो बचा हुआ। देखिए अगर कोई गाड़ी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर कल शाम को भी संभव हो सकता है। असंभव हो सकता है, गाड़ी मिल जाए तो पहुंच जाएंगे कल शाम तक। तो आप लोग किस चीज का काम करते हैं, बताया था आपने? स्ट्रक्चर का सर। हाँ, स्ट्रक्चर का काम करते हैं। तो उसमें कितनी कमाई हो जाती थी? वही हो जाता है 10-15 क्या? 10-15 हज़ार का महीने का जी। अच्छा, तो कुछ पैसा ऐसा बचा है कि नहीं बचा है? अभी सैलरी नहीं मिला, महीना लगने वाला था, मिला नहीं सैलरी। तो अभी बिना सैलरी के वो भेज दिया गया जी। फिर कैसे करोगे? वही जो बचा खर्चा था उसी में काम चल रहा है। हाँ, तो उसी में मान लीजिए जो बचा वचा है उसी को लेकर हम लोग सोच रहे हैं कि निकल जाए घर। हाँ, बता, बात करो, क्या हुआ है बताओ? घर जाने के लिए। घर जा रहे हो? नहीं, बिहार जाने के लिए। तो क्या दिक्कत हो रही है? मार रहे हैं पुलिस लोग। पुलिस ने मारा आपको अभी? नहीं, मारने के लिए डरवा रहा है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? कोई नहीं बैठने दे रहा है लोग। बसें बंद है, ट्रेनें बंद है, 4 दिन से परेशान है इसी में। अच्छा, न खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना है, सब कुछ है। अगर सब कुछ तू राशन पानी का दुकान खुला तो क्या फायदा, जब पैसे ही नहीं है। अब सर ये बच्चों को देख के ही तो निकल पड़े, या तो भूखे मर जाएंगे या तो सर जब वही डेली कमाते हैं डेली खाते हैं तो
काम ही बंद है, कुछ काम नहीं है, तो फिर इसके लिए का और क्या चारा यही है घर जाने। कहाँ से आ रहे हो? सीलमपुर से। आप भी सीलमपुर से हो? मैं दिल्ली से रोहाणी से। और ये ज्यादातर लोग सीलमपुर के लोग हैं? हाँ जी हाँ। सारे जगह सीलमपुर, गांधीनगर, गुड़गांव, हरियाणा के सब लोग जहाँ गए। तो एक साथ इतने लोग कहाँ से आ गए? अभी पूरी दिल्ली के हैं, ये गाजियाबाद के भी हैं, आनंद विहार खिंचा हुआ है, आनंद विहार। तो आनंद विहार से भी छोड़ा है सबको आने के लिए? आने नहीं दे रहे थे तो जाइए आप, बस नहीं है इधर तो जाइए। तो कैसे जाइएगा आप? हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? कहाँ जाओगे? गोरखपुर जाएंगे। गोरखपुर कैसे यहाँ से जाओ? ऐसे पैदल जाएंगे। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? आनंद विहार। आनंद विहार कहाँ जा रहे हो आप लोग? आजमगढ़। कैसे जाओगे इससे? क्या इसी तरह तो जाना ही है यहाँ भूखे? कहाँ आजमगढ़ कैसे जाओगे यहाँ से? यहाँ से पैदल पैदल चले जाओगे सर जी। पैदल पैदल चले जाएंगे आजमगढ़ चले जाओगे? क्या सवारी मिलती जाएगी, चले जाएंगे बैठकर। क्या करते हो यहाँ? क्या करते हैं, हम मजदूरी करते हैं, रोज रोज खाने के लिए 3 दिन से भूखे हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पर। कहाँ रहते थे आप? मंडावली दिल्ली में रहते थे। तो आपको देखना चाहिए ना वहाँ कहीं रेन बसेरा वगैरह नहीं है ना? कोई उतवा नहीं, बाहर निकलने पर पुलिस वाले डंडे से मारते हैं, रूम से बाहर निकलो। पैदल कैसे जाओगे? कहाँ चलेंगे? इधर से गाड़ी घोड़ा मिलती जाएगी, सवारी करते जाएंगे। ये मजदूर जब बेबस होकर अपने अपने शहरों की ओर जा रहे हैं तो संक्रमण से बचने के उपाय की अनदेखी हो रही है। इन हालातों को देखते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मजदूरों की मदद करने की सरकार से अपील की। उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर पैदल हजारों मजदूरों का पलायन देखकर बहुत बहुत दुख हो रहा है। ये हमारे लोग हैं, हिंदुस्तानी हैं, मजदूरी करते हैं, गरीब लोग हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम इनकी सहायता करें? जब तमाम लोग विदेश में फंसे हुए थे, वापस आ नहीं पा रहे थे, तो हमने हवाई जहाज भेजे उनके लिए कि वो घर आए, अपने परिवारों के साथ रहें, क्योंकि हर इंसान की यही इच्छा होती है कि संकट के समय में वो घर जाए, अपने परिवार के साथ रहे। इनकी भी यही इच्छा है। तमाम मजदूर हैं, गरीब हैं, ईमानदारी से दिल्ली में काम करते हैं। हम सबको इकट्ठा होकर, सब राजनीतिक पार्टियों को इकट्ठा होकर इनकी मदद करनी चाहिए। यूपी कांग्रेस ने एक हाईवे टास्क फोर्स बनाई है जिसके जरिए जहां जहां हम सहायता कर सकते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन बगैर सरकार की सहायता के ये अपने घर पहुंच नहीं पाएंगे। मैं आग्रह करती हूं सरकार से, मदद करिए इनकी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर मजदूरों की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई और लिखा कि सरकार इस भयावह हालत की जिम्मेदार है। नागरिकों की ये दशा करना एक बहुत बड़ा अपराध है। आज संकट की घड़ी में हमारे भाइयों और बहनों को कम से कम सम्मान और सहारा तो मिलना ही चाहिए। सरकार जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए ताकि ये एक बड़ी त्रासदी ना बन जाए। कन्हैया कुमार ने भी ट्वीट करके सरकार से अपील की और लिखा कि मजदूर गरीब है, मुजरिम नहीं। महामारी की चपेट में अमीर गरीब दोनों आ रहे हैं। जब बीमारी भेदभाव नहीं कर रही तो इसके बचाव में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबकी जान की कीमत बराबर है, चाहे अमीर हो या गरीब। वरिष्ठ पत्रकार अभिसार ने भी इन मजदूरों के बात अपने शो में की, जिसमें उन्होंने इनकी परेशानियों का जिक्र किया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि विनोद कापड़ी ने कुछ गरीबों से बात की। विनोद कापड़ी अपने ट्वीट में कहते हैं, उत्तर प्रदेश के नोएडा की झुग्गियों में आज करीब 100 परिवारों से मिला। सभी दिहाड़ी मजदूर हैं। दिन के 300 से 400 रुपए मिलते थे तो जीवन चलता था। 10 दिन से कोई काम नहीं है, ना कोई दिहाड़ी। इन परिवारों ने बताया कि अब इनके पास एक वक्त का खाना खाने लायक पैसे नहीं बचे हैं। गरीब की शिकायत यही है कि थाली बजाने के लिए तो आपने 4 दिन का वक्त दिया, मगर जब लॉकडाउन की घोषणा की तो सिर्फ 4 घंटे का वक्त दिया गया। एक और वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी मजदूरों की परेशानी का जिक्र अपने प्राइम टाइम में किया। इन मजदूरों की सोचिए, 30 करोड़ के बराबर रोज कमाकर खाने वालों की आबादी है भारत में। इनके पास ना तो कार थी कि तुरंत किराने की दुकान पहुंचकर सामान भर लाते, और ना ही घर इतना बड़ा है कि स्टोर के रूप में अपने स्टोर रूम में सामान जमा कर लेते। इनका रोजगार चला गया है। लोग जिस तरह से सामान की जमाखोरी कर रहे हैं, अगर इसके असर में जरा सी भी कीमतें बढ़ गईं, तो यह तबका 2 रोटी से 1 रोटी पर आ जाएगा। सामान्य भोजन से लेकर अपने गांव घर पहुंचने तक की तकलीफ का वो सामना कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं नहीं बताइए क्या कर लेंगे?
अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। इंडिया टीवी के मुखिया रजत शर्मा ने मोदी जी की लॉकडाउन के बाद उनकी तारीफ अपने ट्वीट में की, जिसमें उन्होंने लिखा, जरा मोदी जी की चतुराई देखिए, घर में रहने में 21 दिन में से 6 दिन तो शनिवार रविवार ही हैं, 5 छुट्टियां गुड़ी पड़वा, रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे और अम्बेडकर जयंती की है, काम का नुकसान सिर्फ 10 दिन हुआ, आम के आम गुठलियों के दाम। इन घूदी मीडिया के रजत शर्मा जी को कोई बताए कि जो मजदूर रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं उनके लिए कोई छुट्टी नहीं होती, चाहे जिस नजरिए से भी इन मजदूरों की दिक्कतों को देखा जाए, लेकिन इन सबकी चिंताएं वाजिब है। गरीबों मजदूरों के सामने सबसे बड़ा सवाल आजीविका का तो है ही है, इसके साथ ही इनके सामने सवाल भूखे रहने का भी पैदा हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसे टाला जा सकता है, क्या इनकी चिंताओं को कम किया जा सकता है? इसका जवाब तो शायद सरकार ही दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।